कई ऐसे युवा हैं जो पत्रकारिता में अपना करियर बनाना चाहते हैं, खास तौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, उन्हें राह कई बार नहीं मिल पाती है। आपने युवाओं के साथ, आज के युवाओं को टीवी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में पूछा, तो मैं उनसे सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूँ कि आज की तारीख में तो हर कोई पत्रकार है, सबके पास मोबाइल है, हर आदमी वीडियो बनाता है, हर आदमी खबरों को ग्रहण करता है और उसको फॉरवर्ड करता है, प्रेषित करता है। मेरा ये कहना है कि ये काम बहुत आसान अब लगता है, लेकिन एक अच्छा पत्रकार वही होता है जो पत्रकार होता है, और उसके लिए बनने के लिए आपको जमीन से जुड़ा रहना पड़ता है, आपको जर्नलिस्टिक इथिक्स पता होने चाहिए, उसूल पता होने चाहिए, मूल्य पता होने चाहिए, और आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग किसी अच्छे मीडिया इंस्टीट्यूट में जरूर होनी चाहिए। जब तक आप सीधे बल्ले से बैटिंग करना नहीं जानेंगे, तब तक आप 2020 के अच्छे बैट्समैन नहीं बन सकते हैं। तो विराट कोहली अच्छा बैट्समैन इसीलिए कि वो टेस्ट मैच में अच्छा खेलता है और T20 में भी अच्छा खेलता है। तो कंजर्वेटिव फॉर्म ऑफ स्टडी जो है मीडिया का, जर्नलिज्म का, वो बहुत जरूरी है, जिसको हम बुकिश कहते हैं, जिसको हम किताबी कीड़ा कहते हैं, वो बहुत जरूरी है। उसी के बुनियाद पर आप अपने आप को इवॉल्व कर पाते हैं, आपको अपनी लिमिटेशंस पता होती हैं, आपको एक दायरा पता होता है कि किन दायरों में रहकर खबरों को तोला जाता है, कि कितनी हद तक खबरों को आगे बढ़ाना चाहिए। तो वो चीजें किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी अच्छे जर्नलिस्ट के लिए बहुत बेसिक है और वो होनी बहुत जरूरी है, वरना तो आजकल हर कोई पत्रकार है। मेरा ये कहना है कि आपके पास सामान्य ज्ञान को परखना, सामान्य ज्ञान को सीखना और उसके लिए लालायित रहना बहुत जरूरी है। सामान्य ज्ञान को लेकर आपके अंदर उत्सुकता होनी चाहिए, समाज में जो चीजें हो रही हैं आपके आसपास उस पर आपकी एक नजर जरूर होनी चाहिए, दृष्टि जरूर होनी चाहिए। उन खबरों के जरिए, उस घटनाओं के जरिए आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये समाज के लिए अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, मतलब आप उसको तौलना आना चाहिए आपको। जब आप ये सब चीजें आपके अंदर होंगी तो आप वाकई में पत्रकार बनने के बेसिक गुण आपके अंदर है, और फिर उसको आप परिष्कृत करने के लिए किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से जुड़िए। एक अच्छी एजुकेशन बहुत जरूरी है, और ये इस तरह की एजुकेशन नहीं कि आप 6 महीने 8 महीने का कोर्स कर लिया और मुझे एंकर बना दीजिए। एंकर बनने नहीं आना है। मैं अपने यहां उन तमाम लोगों को मना कर देता हूं जो ये कहते हैं कि मुझे एंकर बनना है। मैं पत्रकार बनाता हूं लोगों को, पत्रकार लोगों को पसंद करता हूं, एंकर को बिल्कुल पसंद नहीं करता हूं। तो एंकर अपने आप बन जाएंगे अगर आप अच्छे पत्रकार होंगे। अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़िए, अच्छे टीचर्स का सानिध्य लीजिए, अच्छे अखबार या पुराने लोग जो संपादक रहे बड़े बड़े, उनकी लिखी हुई किताबें, उनके लिखे हुए आर्टिकल्स, उनके लिखे हुए संकलन जरूर पढ़िए। आपका न सिर्फ सामान्य ज्ञान बढ़ता है, आपकी भाषा भी पकड़ आती है, आपका आपको सब्जेक्ट के तथ्य मिलते हैं जो आपको अपने काम में आगे जिंदगी भर काम आएंगे। और इस सब के बाद जब आप किसी भी मीडिया हाउस में जाते हैं, किसी भी इंडस्ट्री में नौकरी करते हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि ईमानदारी से काम करिए। बहुत चीजें आती है दुनिया में, प्रलोभन की दुनिया है, लाभ लालच की दुनिया है, आपको अपने साथ मिलाने के लिए तरह तरह के लालच दिए जाते हैं, आपको प्रलोभित किया जाएगा। लेकिन मेरी गुजारिश है अपने आप पे कंट्रोल करिए, अनबायस रहिए, क्योंकि जब आप किसी से कोई लाभ लेंगे नहीं तभी आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। जब आप किसी के साथ मिल जाएंगे या उसके दोस्त बन जाएंगे तब फिर आप न्यूट्रल नहीं रह पाते, आपको आपको लिहाज आ जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप चोर हो जाते हैं, लेकिन आपको लिहाज, अरे ये तो मेरा दोस्त है इसके खिलाफ क्या लिखूं, वो नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है कि जब आप काम करें तो ईमानदारी से करें, अच्छे लोगों को चैलेंज करने में ना डरे, और अगर आप डर गए और डरते हैं और वो आपके स्वभाव में है तो आपको पत्रकार नहीं बनना चाहिए। देखिए बहुत से संस्थाएं हैं जिनका बहुत नाम है, अगर आप इंस्टीट्यूट्स के बारे में जानना चाहते हैं कि कहाँ से वो कोर्सेज करें, कहाँ से वो पढ़ें, तो ये मेरे मुँह से किसी का नाम लेना मुझे ठीक नहीं लगता, क्योंकि मैं किसी का ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। पर अच्छे संस्थान दुनिया को पता होते हैं, क्योंकि जो अच्छा है वो बेस्ट है, वो दिखता है, वो चमकता है, उसके बारे में उसको प्रचार प्रसार या गलत रास्ते का नहीं अपनाना पड़ता है। अच्छे सरकारी इंस्टीट्यूट्स हैं और वो अच्छी पढ़ाई करते हैं, उनसे निकले छात्र जो होते हैं उनकी प्लेसमेंट्स हो सकता है कि शुरू में मुश्किल आए, हो सकता है कि परेशानी हो, पर एक बार आप जब प्लेस हो जाते हैं और क्योंकि आप मजबूत बुनियाद के साथ आए हैं तो आपको इंडस्ट्री में अपने पैर जमाने में दिक्कत नहीं होती है। यहाँ प्लेस्ड होने की बात है तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि क्या
जितना सुनहरा ख्वाब लगता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाना, रिपोर्टिंग करना, टीवी पर नजर आना, क्या ये उतना आसान है जितना जनरली लोग टीवी पर देख पाते हैं? मैं वही कह रहा हूँ ना, सबके पास मोबाइल है, सब अपने आप एंकर बन जाएंगे, सब न्यूज पढ़ने लगे, क्या दिक्कत है? अखबार आता है, अखबार की चार खबरें उठाए, अपने फोन आगे रखे, पढ़े छापे और चला दें। नहीं, आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि अगर आपके पास, मैं तमाम दर्शकों से, इनफैक्ट मैं ये सवाल हर जगह पूछता हूँ, जहां भी बोलता हूँ, आपको 5 बेस्ट एंकर्स जो पिछले 10 साल के अंदर आए हैं उनके नाम बताइए। लोग नहीं बता पाते, लोग वही 5 के नाम लेते हैं जो पिछले 20 साल से आ रहे हैं। बिल्कुल, लास्ट 7-8 साल के एक भी खूब एंकर आए हैं, हर चैनल ने 5-5, 7-7, 20-20 चेहरे इंट्रोड्यूस कर दिए इंडस्ट्री को, लेकिन वो पहचान नहीं बना पाए हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी उतनी नहीं है जो आज से 15 साल पहले या 20 साल पहले जो आज तमाम एडिटर्स आप देखते हैं वो नहीं हो पाई है। उसकी वजह यह है कि बहुत से लोगों ने न्यूज पढ़ना तो शुरू कर दिया, एंकर तो बन गए, लेकिन वो पत्रकार नहीं थे, वो अपनी शक्ल दिखाना चाहते थे टीवी के ऊपर। तो अगर कैमरे के आगे शक्ल, जैसे मैंने कहा ना, कैमरे के आगे शक्ल दिखाना तो एक्टिंग करो, ना जाके विज्ञापनों में काम करो, आजकल तो खूब हो रहे हैं। लेकिन अगर आप अच्छे पत्रकार हैं तो अच्छे एंकर अपने आप बन जाते हैं। तो पत्रकार बनना जरूरी है, बहुत सिंपल सी सीढ़ी है। आप अच्छा इंसान बनिए, अच्छे इंसान बनेंगे तो बैलेंस पत्रकार बनेंगे, बैलेंस पत्रकार बनेंगे तो उतने ही बैलेंस एंकर आप दिखाई देंगे। ये एक बेसिक फंडा है। ओके, पत्रकारिता में अलग अलग भाग होते हैं। कोई युवा अगर पत्रकारिता में जाकर किसी बीट विशेष को फॉलो करना चाहता है या उसका स्पेशलिस्ट बनना चाहता है तो उसके लिए टिप्स देना चाहेंगे? बहुत मुश्किल है टिप्स देना, क्योंकि हर आदमी का अपना अपना कैरेक्टर होता है। सपोज कीजिए कि पॉलिटिकल नॉलेज बहुत ज्यादा नहीं होता है युवाओं में कई बार, लेकिन वो राजनीतिक बीट देखना चाहते हैं, या बॉलीवुड को ही ले लीजिए, शुरुआती दौर में उन्हें काफी समस्याएं आती हैं क्योंकि वो प्रवेश तो कर जाते हैं, उन्हें असाइनमेंट भी दे दिए जाते हैं, लेकिन शुरुआती कदम रखना उनके लिए उतना आसान नहीं होता। तो ऐसे में किन चीजों को फॉलो किया जा सकता है? देखिए, एक चीज बहुत सिंपल सी है जो आपको हर जगह पढ़ाई भी जाती है, बताई भी जाती है, कि जो चीज नहीं आती है उसको नहीं करना चाहिए, जो चीज आती है उसमें पारंगत होने की, एक्सपर्ट होने की कोशिश करनी चाहिए। उदाहरण के लिए आपने कहा कि बहुत से युवा राजनीतिक बीट पे आना चाहते हैं, सबकी इच्छा होती है, क्योंकि आप जानते हैं जब आप राजनीतिक बीट पे होते हैं तो आप देश के सांसदों से, मुख्यमंत्रियों से, प्रधानमंत्रियों से, बड़े बड़े नेताओं से मिलते हैं, आपका उनसे सीधे तारुफ होता है, तो वो जो एक चाम आता है ना उस जॉब के साथ, उससे आप अपने आप को किनारे नहीं रह सकते। अच्छे अच्छे रिपोर्टर्स को देखा है मैंने, जो क्राइम में बहुत अच्छे रिपोर्टर होंगे, 20-20 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में इच्छा होती है कि हम एक बार पॉलिटिकल बीट को जरूर देखें। सिमिलरली बॉलीवुड के लोग एक बार जरूर देखें, लेकिन उस बीट को समझना, अगर आप पॉलिटिक्स कवर कर रहे हैं और पॉलिटिक्स में भी कोई पर्टिकुलर सरकार या पार्टी या कोई मंत्रालय कवर कर रहे हैं, तो आपको उसके बारे में पढ़ाई करनी पड़ती है, आपको उसके बारे में उसका इतिहास पता होना चाहिए, उसका वर्तमान पता होना चाहिए और उसके भविष्य के बारे में पता होना चाहिए, कि ये मंत्रालय क्या क्या दे सकता है इस देश को, ये पार्टी से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो वो आपका अपना होमवर्क होता है, वो कितनी भी टिप्स कोई दे ले उसका कोई फायदा नहीं जब तक कि आप खुद सीखना ना चाहे। और इसके लिए किसी विशेष संस्थान की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गूगल मौजूद है अभी। क्लास 11वीं 12वीं का पेपर नहीं है ये, कि ये इसी किताब में से कोर्स आएगा, शुरू के 6 अध्याय आने वाले, ऐसा नहीं है ये। आप IAS का एग्जाम देने बैठे और कुछ भी आ सकता है, तो आपको आपकी तैयारी सबसे जरूरी है। और गूगल पे एक बात जरूर कहूंगा मैं प्रीति, तमाम दोस्त जो देख रहे हैं, इंटरनेट पे जानकारियां उपलब्ध हैं, उसको ग्रहण करना चाहिए, लेकिन मेरा ये कहना है कि इंटरनेट पे बहुत सी गलत जानकारियां भी उपलब्ध हैं, तो जब आप किसी भी चीज को चेक करें, ऑथेंटिकेट करना चाहें, उसको डबल चेक करिए, उसको 3-4 अलग अलग सोर्सेज से चेक करिए, अलग उस जानकारी को 5-6 अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके चेक करना चाहिए, और जब सब जगह से एक जैसी जानकारी मिले तब उस पर विश्वास करना चाहिए। वरना आज की तारीख में, इस न्यू एज में, सोशल मीडिया में बहुत से चीजें चल रही हैं जहां पर गलत चीजें जानबूझ के फैलाई जा रही हैं, वायरल कराई जा रही हैं, और वो बहुत आसानी से सर्च करने पे किसी भी सर्च इंजन में सबसे ऊपर दिख जाती है, और हम उसको पढ़ के संतुष्ट हो जाते हैं कि हमको जानकारी मिल गई, जबकि वो गलत भी हो सकता है, तो उसको क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच सुमित जी, बेहद शुक्रिया वेब दुनिया से बात करने के लिए और हमारे दर्शकों को इतना सही मार्गदर्शन देने के लिए।
आई होप कि सही है, उनको कुछ समझ में आया हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू प्रीति, थैंक यू वेब दुनिया, थैंक यू।